लोकसभा हमारी है, संगठन बढ़ाए, लोगों के घर घर तक पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पदाधिकारियों से मुलाकात कर दिए निर्देश। बीजेपी संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहती है, रैली में उद्धव ठाकरे का हमला। न्याय के लिए लड़ो, संविधान को कायम रखो, शिवतीर्थ में राहुल गांधी की सभा का टीजर रिलीज। अमिताभ बच्चन कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराई गई एंजियोप्लास्टी। मुंबई का ध्यान दे, 24 अप्रैल तक शहर भर में 5% पानी की कटौती की घोषणा। महाराष्ट्र के धुले में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए ट्रेनी पुलिस कर्मी, 100 से अधिक की बिगड़ी तबीयत। ये 2 रुपए में क्या होता है, चुनाव आने वाले हैं इसलिए उन्होंने 2 रुपए कम कर दिए, पहले लाखों करोड़ों रुपए जनता के पॉकेट से वसूले, उसका क्या, संजय राउत का हमला। महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कल, श्रीकांत शिंदे को कल्याण से और मुंबई दक्षिण मध्य से मौजूदा सांसद राहुल शिवाले को मिल सकता है टिकट। सिद्धिविनायक मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए बीएमसी ने 500 करोड़ का बजट पारित किया, सिद्धिविनायक मंदिर को उज्जैन की तर्ज पर बदला जाएगा। इतनी कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, एनसीपी को 3 से 4 सीटें मिलने पर चर्चा पर बोले प्रफुल्ल पटेल। सत्ता में आने पर इंडिया बनेगा किसानों की आवाज, राहुल गांधी ने अन्नदाताओं को जीएसटी से बाहर करने व फसल बीमा योजना के पुनर्गठन का किया वादा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल दोपहर 3 बजे होगा ऐलान, चुनाव आयोग देगा जानकारी। महाराष्ट्र सरकार को देनी होगी 10% ऑक्यूपेंसी फीस और उल्हासनगर की अवैध इमारतें हो जाएगी वैध। थाने से गोरबंदर होते हुए सीधे भिवंडी और वसई खाड़ी पर ब्रिज न होने से दशकों से भयंकर ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे भिवंडी वासियों को मिलेगी राहत। मुंबई में बीएमसी प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वाले टॉप 10 बकायदादारों की सूची जारी की, टॉप 10 डिफॉल्टर्स में एलएनटी, डायमंड बोर्स, गोदरेज और फिनिक्स मॉल शामिल। मर्डर के बाद चुराए हीरे की चूड़ियां, मलाबार हिल में ज्योति शाह हत्याकांड में घरेलू नौकर कन्हैया गिरफ्तार। एसआरए ने रिडेवलपमेंट के लिए कसी कमर, फ्रीवे के मार्ग के झोपड़े का सर्वे हुआ पूरा, एमएमआरडीए को सौंपी 1694 लोगों की लिस्ट। कम होती जा रही है बेस्ट बस की सर्विस और बढ़ रहा है यात्रियों का इंतजार, यात्रियों को हो रही है परेशानी। चंद्रपुर में जंगल में लकड़ी काटने गए शख्स पर टाइगर ने किया हमला, हुई मौत, अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। सिंधी ड्राई पोर्ट से बांग्लादेश माल भेजने में समय और लागत की होगी बचत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी।